हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पूनम्स तड़का किचन में। आज हम बनाएंगे प्याज का ऐसा सिंपल और टेस्टी नाश्ता जिसे खाकर कि आपका मन खुश हो जाएगा। हम इसे इवनिंग में स्नैक टाइम पे भी इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ, और बारिश के मौसम में तो इसकी डिमांड बहुत ही हाई रहती है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है। तो चलिए आप भी बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बनाते हैं। मैंने 4 मीडियम साइज़ प्याज ले लिए हैं, इनको मैंने काट लिया मीडियम शेप में। डाल दी मैंने हरी मिर्च, मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डालना, बच्चों के लिए बनाए तो कम डालेंगे। इसमें मैंने धनिया पत्ते डाल दिए हैं, और अब मैं इसमें डालूंगी नमक 1 चम्मच, और अब हम इसे अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे ताकि हमारे ये प्याज हैं ये सारे अलग अलग हो जाएं। इसको हमें अच्छे से मसल लेना है जिससे मसाले, इसमें जो नमक हमने डाला है वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा और ये सारे हमारे प्याज हैं जो वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। ये मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी। अब हम इसमें मसाले डालेंगे 5 मिनट बाद। ये मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, 1.5 चम्मच डाल दिया मैंने, और ये मैंने डाल दिया है 3 बड़े चम्मच। टोमेटो केचप डाला है, 1 चम्मच शेजवान सॉस डाल दिया। अब मैं लूँगी 2 ब्रेड और उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे हम और इसमें डाल देंगे। छोटे छोटे टुकड़े करने हमें इसे ताकि ये इसमें अच्छे से मैश हो सके, इसका पेस्ट जैसे बन सके। तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके और इसको रख दूंगी और इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है और ये सबको बहुत पसंद आता है। आप इसको ज़रूर बना के देखिए, आप सबको भी ये बहुत पसंद आने वाला है। इसे सर्व करते हैं हरी चटनी के साथ जो कि इसमें 4 चांद लगा देती है। उसकी रेसिपी मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। एक बहुत ही यूनिक तरीके से बनाते हैं, आप ज़रूर देखिएगा उसको। अब इसका पेस्ट हमारा बन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 4 बड़े चम्मच बेसन। अगर आपका पेस्ट थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा पतला है, चिपचिपा है, तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं, या थोड़ा ब्रेड क्रम भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, थोड़ा सा धनिया पत्ता और डाल दिया है मैंने इसमें, और हम इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसके हम बॉल्स बनाएंगे। ये मैंने इसको कर दिया है। थोड़ा सा हम हाथ पे तेल लगा लेंगे पहले ताकि ये हमारे हाथ पे चिपके ना, हम इजीली बॉल्स बना सकें। आप इसमें किसी भी शेप के बॉल्स बना सकते हैं, आप राउंड शेप में बना सकते हैं, आप इसे टिक्की भी बना सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा लंबे लंबे शेप में बना रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इस शेप में इसको बना लिया है। ऐसे ही मैं अपने सारे बॉल्स रेडी कर लूँगी। हम पहले ही सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो, अगर आपको थोड़ा सा ये पतला लगे और अगर आप इसमें बेसन नहीं डालना चाहते एक्स्ट्रा या कुछ, आप तो इसे फ्रिज में थोड़ी देर आप रख सकते हैं सेट होने के लिए। आप इसको 5 से 10 मिनट फ्रिज में रख दीजिए, ये सेट हो जाएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल को हम मीडियम हीट करेंगे और मैंने इसमें ये डाल दिए हैं। स्टार्टिंग में हम इनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए, ये थोड़े थोड़े से ब्राउन हो गए हैं और हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे तब तक ये बिल्कुल गोल्डन कलर के ना हो जाए। ये अब हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं डेली आपके लिए नई रेसिपीज़ लेके आती हूँ, तो नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप भी रेसिपी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।